And guys, finally, guys, look at this. Oh, so young, sir. I love you, sir. Just like heaven. This is also not less than heaven. Actually. ये elephant का dung ही है. अभी हम जा रहे हैं कालामंडी को explore करने. और guys, आपको एक बात बता दूँ. स्पेन में टेनरिफ नामक एक आइलैंड है. और गैस उस आइलैंड पर जो पहाड़ थे, पहाड़ में बहुत साल पहले वोल्केनिक एरप्शन हुआ था, मींस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था. विस्फोट होने के बाद उस जगह का गैस सीन से बदल गया था, लेकिन वो अभी इतना ब्यूटीफुल बन गया, लोग उसको लूनर लैंडस्केप नाम से नामकरण किया. मीन्स गैस मून में जो सोइल से, मून में जो मिट्टी है वैसे ही दिखता है ये जगह, इसलिए इस जगह को लूनर लैंडस्केप नाम दिया गया है. और गैस ये देखने के लिए हर साल लाखों लोग, करोड़ों लोग यहाँ पे आ जाते हैं टेनरिफ में, स्पेन में. वैसे ही एक प्लेस है आसाम में जिसका नाम है कालामाटी. गैस मैं आज आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा वो जगह जो सेम टू सेम गैस टेनरिफ जैसा है. मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, लेकिन गैस एक दिक्कत की बात है, दुख की बात है कि जगह को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया. अगर प्रॉपरली ये जगह एक्सप्लोर होता ये भी टूरिस्ट अट्रैक्टिव बन सकता था. एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर, मैं वो जाके आप लोगों को फुल दिखाऊंगा. आप लोग देख के वो फोटो भी डालूंगा, मैं दोनों का डालूंगा, आप लोग देख कंपेयर करना. बिकॉज असम में बहुत सारे ऐसे है टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, लेकिन गैस क्या बोलूँ, एक्सप्लोर नहीं किया, टूरिस्ट में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं बढ़ा लोगों का ना. बट मैं गैस बहुत अच्छा अच्छा साइड है असम में दिखने के लिए, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. एंड एसन असम इज अब वो कॉमेंट करना है कि वो जगह को जो करना था, आई मीन जो एक्सप्लोर करना था, जितना मान्य देना था, आई मीन जितना प्राइमरी उसको रखना था, लेकिन प्राइमरी नहीं किया. आप लोग वो कमेंट करना आप लोगों को उस पर, ये आप लोगों पर रहेगा कि इस जगह को फोकस में रहना चाहिए कि नहीं. तो गाइस कीप एंजॉय द वीडियो. एस आई टोल्ड इट्स द टेनरिफ, यू नो टेनरिफ आइलैंड जो है, टेनरिफ आइलैंड उसमें जो है ना लूनर स्टेप, वो कालामाटी में जाके गाइस आप लोगों को मैं सच बोल रहा हूँ, ये ब्लैक लूनर स्टेप होगा. सेम टू सेम गाइस वो एक्सप्लोर करने में देर हुआ, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, ध्यान नहीं बताया. बट ना गाइस दिस साइड वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन असम, नॉट ओनली असम इन इंडिया ऑल्सो. क्योंकि ये मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा डिस्कस करूंगा उसके बारे में. ऑल आर इंस्पायर्ड. ओह रियली? या आई आर इंस्पायर्ड. आई डिडंट थिंक सो दैट यू गाइस आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मी. गाइस आई मस्ट टेल यू द लूनर लैंडस्केप इन टेनरिफ इज क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एरप्शन विद लावा एंड देन इनटू स्टिंकिंग रॉक फॉर्मेशंस. सो in Assam, in Kalamati, I have heard that once here was volcanic eruption. I'm going to explore it properly. Is it true or false? And guys, I hope if the video spreads, then guys, Assam will be developed in tourism. People all over the world and from India, all part of India will come to Assam to explore this, to see this, what is the thing actually. वेल गाइस जर्नी थ्रू फॉरेस्ट चल रहा है और हमने बहुत ज़्यादा लगभग हाईवे से 2.5 घंटे या 2 घंटे होंगे ट्रेवल किया, उसके बाद जाके हमको वो मिला. और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो प्लेस है ये सिर्फ इस जगह के लिए फेमस नहीं है कि इसमें रूरल लैंडस्केप है. गाइस इसमें बहुत सारे ऐसे साइट्स है जो देख के आप लोग दंग रहे हो जाओगे, क्योंकि गाइस ये एक बोटानिकल प्लेस है. यहाँ पे आके आप लोगों को बहुत सारे बोटानिकल साइट्स मिलेगा, बोटानिकल चीज देखने को मिलेगा. गाइस ये रियली अमेजिंग प्लेस है ये. वेल ऑन द वे वी आर क्रॉसिंग वन रिवर और आगे तक जाना है. एंड गाइस आप लोगों को जो मैं बोल रहा था कि गाइस ये एक बोटानिकल प्लेस है, बायोलॉजिकल प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे गाइस जहाँ तक मैंने सुना कि यहाँ पर एलिफेंट है, डियर्स है, टाइगर है, हॉर्नबिल, डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज. एंड गाइस यहाँ के जो प्लांट्स है वो तो यूनू आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे. और गैस एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, प्रेजेंटली हम लोग जा रहे हैं तराई बोलो या तोड़ाई बोलो उस एरिया के बीचों बीच से जा रहे हैं. और गैस ये फुल एरिया तराई एरिया है, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो. वेल गैस जो हिमालय माउंटेन का नॉर्थन एरिया है और नॉर्थन एरिया के जो गैस लो लैंड है उनमें जो गैस रहता है मिडिल लेवल ग्रास लैंड, साल्ट ट्रीज और गैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
उनको मिला के गैस उस एरिया को तराई अंचल बोलते हैं, यू कैन सर्च इन गूगल। और गैस यहाँ के आप लोगों को तराई अंचल देखने के लिए मिल सकता है। एंड गैस दिस इज नॉट रेन फॉरेस्ट बट सिमिलर टू रेन फॉरेस्ट, यू नो इन असम इज कॉल्ड तराई, तराई तराई बोलते हैं। हैव यू रीड, आई थिंक यू हैव रीड अबाउट तराई फॉरेस्ट। दिस आर यू नो ग्रास लेवल लो एंड विक्टर्स ऑफ एरिया नॉट बाउंड्रीज एंड द एरिया एक्चुअली द हिमालय फ्रंटियर एरिया एक्चुअली इट्स कॉल्ड तराई एरिया। You can watch in, search in Google, Torai area, it's called Torai area, that means area with, you know, middle range, trees, middle range, grass, you know, and that's called Torai area, you can search in Google. So, almost enjoyable and it's little bit mixy, as we have heard that elephant, you know, come across the road, elephants and tigers also. Of course, this is part of Maran National Park, no? So, it's Rixi, a little bit scared. Well guys, on the way, हमें और एक रिवर पार करना है। हम अभी रिवर के बीचों बीच जा रहे हैं। और गैस जो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बोटानिकल प्लेस है, बायोलॉजिकल प्लेस है। गैस यू कैन डेफिनेटली कम हियर टू एक्सप्लोर दिस। और गैस यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा। एंड मेन थिंग जो रूरल लैंडस्केप इन टेनरिफ आइलैंड में है वो गैस यहाँ पर है। हमारा मेन मकसद, मेरा मेन मकसद वही है, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लोर करूंगा, वो दिखाऊंगा और कैसे आप लोग कंपेयर करना कि दोनों सेम है कि नहीं। And guys, finally we have reached the spot. देख सकते हो guys, we almost traveled around 2 hours, right? And finally we have reached the spot. Finally we have reached Kalamati and now I'm going to explore the whole picnic spot and the whole area. You guys keep enjoying the video. Well guys, यहाँ पे आते ही मैं जो मेरा मेन मकसद है रूरल लैंडस्केप इन असम वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ और आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। गाइस सच में ये वैसा ही है। सो गाइस दिस आर ब्लैक सोइल्स, देख सकते हो गाइस ये ब्लैक सोइल्स, परहैप्स दिस इज कोयला, दिस वन फुल्ली ब्लैक एंड दैट वाई द प्लेस इज कॉल्ड कालामाटी, क्योंकि यहाँ पे जो सोइल है वो पूरा ब्लैक है, इसलिए शायद जगह का नाम कालामाटी पड़ गया। और आगे जाके दिखाएंगे आप लोगों को, दिखाऊंगा फुली ब्लैक सोइल ब्लैक एरिया, रियली ब्यूटीफुल प्लेस, देख सकते हो फुल डार्क, ऐसा लग रहा है कि गाइस फॉरेन की फॉरेन कंट्री में आ गए हम। देख सकते हो गाइस व्हाट ए लुक, व्हाट ए व्यू, रियली गाइस अमेजिंग प्लेस। और सर क्या लगता है आपको ये क्या है सर? जो लुक है गाइस, नीचे का जो व्यू है रियली ऑसम। और गाइस मैं जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया इधर एलिफेंट है, अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता तो गैस ये देख सकते हो, ये जो है गैस ये एलिफेंट का डंग ही है गैस, दोसुहेर एलिफेंट डंग, ऐसे ऐसे नो काउ डंग। सो यहाँ एलिफेंट आना तो कंफर्म हो गया। वेल गैस एक्सप्लोरिंग गोइंग ऑन, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और गैस जो मेन डेस्टिनेशन है, जो मेन प्लेस है यहाँ का, नाउ आई एम गोना एक्सप्लोर दैट वन। एंड गैस आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू आवर मेन डेस्टिनेशन। सो गाइस एस आई टोल्ड यू बिफोर, आते वक्त जो बोला था कि टेनरिफ में जो है जो लूनर लैंडस्केप जो है टेनरिफ में, सेम गाइस सेम टू सेम इधर ही है, लेकिन इधर एक्सप्लोर नहीं हुआ था, किसी ने बताया नहीं था और टूरिज्म में उतना मार्क नहीं किया था, इसलिए इस जगह एक्सप्लोर नहीं हुआ। बानागर देख सकते हो कितना ऑसम प्लेस है। एंड गाइस आई मस्ट टेल यू, बिकॉज ऑफ सोइल एरोजन, मृदा अपधारण के कारण ये जगह ऐसा पड़ गया। देख सकते हो ये है उसका लाइव प्रूफ, इसमें गाइस सॉइल एरोजन होता है, मींस मृदा अपधारण होता है, असम में इसको बोलता है भूमिस्खलन होता है। और गाइस उसके वजह से देख सकते हो जो टेनरिफ में आइलैंड है लूनर लैंडस्केप, सेम गाइस इसके साथ भी ऐसा होता है। मैं आगे और दिखाऊंगा आप लोगों को, फुल्ली दिखाऊंगा। थोड़ा आप में है क्राइम कर रहा है गाइस, दिखा रहा आप लोग देख सकते हो पीछे। और गाइस ये है हमारा मेन डेस्टिनेशन। एंड गाइस फाइनली पहुंच गए इधर बहुत दूर आने के बाद।
सो वी आर इन आवर डेस्टिनेशन एंड गाइस फाइनली हम लोग आ पहुंचे हमारे डेस्टिनेशन था। देख सकते हो मेरे पीछे जो एक रॉक है, क्या बोले अभी इसको, आई विल कॉल इट मिनी रूरल लैंडस्केप इन असम। सॉरी कमिंग हियर, आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड आई मीट वन सर, आई टॉक विद सर बिफोर। हेलो सर, नमस्कार। आई एम रूपना शर्मा फ्रॉम बॉर्डर एरिया। एक्चुअली सर कम फ्रॉम श्रीरामपुर, ही कम हियर टू एक्सप्लोर द एरिया। एक्चुअली ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस बिफोर, बट आई होप ही वुड अगेन से व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस। प्लीज सर। या एक्चुअली व्हेनेवर वी एंटर द एरिया, ओके, द प्लेस लुक्ड टू यू नो नॉट गुड एंड वी क्रॉस टू जंगल। जंगल्स, यस। एंड या 3 आवर्स जर्नी एंड व्हेनेवर एज सून एज यू गो डाउन फ्रॉम द व्हीकल द प्लेस बिट टू यू नो डिडंट लुक दैट वाज गुड, बट व्हेनेवर वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड, वाओ, इट वाज सो नाइस। प्लीज जस्ट यस सो नाइस एरिया, प्लीज विजिट वंस, ओके। You are missing this place. It is in Chirang district of Assam, India. Chitwan. Near Bhutan, Bhutan border. Near Bhutan border. I don't know the name of the place. Bhutan is nearby. This mountain has Bhutan. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Actually, nice I'm happy you, that I've met man such like sir and his senior. I didn't think he will talk to me, but he just called me. I'm really happy and actually this type of people actually are inspiration for us. Somebody says that all people are really, you know, boring, but this sir really, he's so young, sir. I love you, sir. Okay. He's so charming, yeah, and so young. Yeah, okay. Not too old, still young. And he's been charming, no? He's age is a number. Ajmin Garg says age is a number. Actually, you know, if you meet such like man, you will be, you know, more energetic. Thank you, sir. Yeah. Sir, I visited. I've gone Darjeeling in October, last October. But it was rainy, so I couldn't explore properly. Visit Darjeeling once. Sir, saying that to visit you guys Darjeeling once in life, as I told you before, just go to the heaven. Actually, heaven. Just like heaven. This is also not less than heaven. Actually, this is heaven, and obviously this is I think important part of geography, guys. You must come here. Who is our geography student? No, sir. Geography or, you know, who are like me, who wish to explore, who is to know something, who wish to explore the nature, you must come here. Yep. Thank you, sir. They said to the last point, main aate waqt suna ki yahan pe volcano hua tha. Volcano ke baad jo hua aisa hua aur jo soil erosion hota hai. Soil erosion mein hota hai na bhumisthalan, Assamese mein bolte hai. Jo soil erosion hua uske baad se ye aisa hua. मैं अभी आप लोगों को पूरा का पूरा ये एरिया दिखाऊंगा। और गाइस, सो गाइस आई एम शोइंग यू, दिस इज आई टोल्ड द व्हाइट द लूनर लैंडस्केप, यू कैन सी दिस वन गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कालामाटी पिकनिक स्पॉट, यू कैन सी इन माय स्क्रीन। बट गाइस द मेन थिंग दैट आई टॉक यू बिफोर गाइस, दिस रॉक्स, दिस साइड्स आई एम शोइंग यू, दिस आर गाइस, दिस आर लाइक द rock, as you can see, and I'm going to explore it totally, and I'm going to explore it properly. Actually, what is inside there, actually how this became, somebody said that volcano occurred here, but let me see and let me understand actually what is the matter here. Oh guys, देख सकते हो जो मृदा अवधारण होता है यहाँ पे guys, फुल्ली मृदा अवधारण होता है, इसलिए ये मिट्टी ऐसा बन गया। और एंड गाइस वन थिंग आई एम कन्फर्म्ड, दिस इज मेड बिकॉज ऑफ सॉइल एरोजन, और यू कैन सी गाइस, दिस इज प्रूफ ऑफ सॉइल एरोजन, भूमिस्थलर बारे এই আবৰণটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে স্ক্ৰীনত, এয়া ভূমিস্থলৰ বাস্তৱ প্ৰমাণ। And guys, I must tell in Assamese, because I am an Assamese, so I have to speak in Assamese. This is my first duty. And guys, you can see, जो मैं आप लोगों को आते वक्त बोला था या स्क्रीन में दिखाया था कि ये है मिनी टेनरिफ। गाइस देख सकते हो, इसको हम मिनी टेनरिफ भी बोल सकते हैं। सेम कैसे गाइस, सेम ही स्ट्रक्चर है नेचर का।
But guys, I'm showing you the main attractive place, the main attractive thing. Guys, this one. मेरे पीछे मैं थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ. आप लोग देखते रहिए. और गाइस अभी तो सनसेट होने वाला है, लेकिन अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा. पर गाइस देख सकते हो ये ऊपर का सीन. गाइस मैं जो आप लोगों को बोल रहा था कि जो लूनर लैंडस्केप है, सच में ये वैसा ही एक प्लेस है. अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा. और गाइस मैंने सुना कि इधर वोल्केनो हुआ था. वोल्केनो की वजह से ये ऐसा हो गया. और जो है गाइस सोलराइजेशन, उसकी वजह से भी ऐसा होता है. एंड गाइस आप लोगों को लूनर लैंडस्केप देखने के लिए अभी स्पेन या टेनरिफ जाना नहीं पड़ेगा. आप लोग आसाम आ सकते हो. आसाम आके गाइस देख सकते हो. सो गाइस अभी सनसेट होने वाला है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है. वरना गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. एंड गाइस दैट साइड इज रियली ऑसम. आई एम प्रॉपरली एक्सप्लोरिंग द प्लेस. देख सकते हो गाइस ये जो हिल्स है गाइस, जो मैं आप लोगों को बोला था कि गाइस ये है टेनिफर लूनर लैंडस्केप जो हो गाइस, सेम टू सेम गाइस देख सकते हो. लेकिन क्या करे, ये एक्सप्लोर नहीं हुआ था, लोगों ने उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया. वरना गाइस ये जो लूनर स्केप है गाइस, व्हाइट लूनर स्केप, सेम टू सेम लाइक दैट गाइस देख सकते हो गाइस. और मैं हालांकि मैं थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा एक्सप्लोर करके. शेयर कर दो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैल जाए. और गाइस आसाम का जो टूरिस्ट साइड है वो थोड़ा डेवलप हो सके. Really guys, really awesome. You can see. पर गाइस इस जगह का वो क्या बोलता है, एक्सप्लोर करने में देर हो गया. तो गाइस अगर ये वीडियो पहुँच जाए लोगों तक तो गाइस कुछ डेवलप होगा इस जगह. एंड गाइस दिस इज द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट. एंड आई टोल्ड दैट कालामाटी. एंड गाइस आई हैव हर्ड कि यहाँ पे वोल्केनो हुआ था. वोल्केनो की वजह से ये जगह, यू कैन सी द सोइल्स, ये सोइल्स. एंड गाइस आई एम शोइंग यू द प्लेस. एंड गाइस दिस सोइल्स, दिस आर नॉट कोयल्स. ये कोयल नहीं है गाइस, ये मिट्टी है, पूरा का पूरा मिट्टी है. और गाइस मैंने सुना कि यहाँ वोल्केनो हुआ था. वोल्केनो की वजह से ये जल गया, जल के पूरा राख हो गया. मैं अभी आप लोगों को बैक स्क्रीन से दिखा रहा हूँ. यू कैन सी ये जल गया था, ये उसका प्रूफ है. और गाइस देख सकते हो, दिस आर व्हाइट स्टोन्स. एंड गाइस यू कैन सी ये एक स्ट्रीम जैसा है, यहाँ से वो वोल्केनो गिर के आया था. मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपरली एक्सप्लोर करूँगा गाइस. दिस यू कैन सी दिस आर ब्लैक सोइल, दिस आर ब्लैक सोइल, दिस आर व्हाइट सोइल हियर. एंड गाइस द व्यू, द पैनोरामिक व्यू यू कैन सी दिस वन. गाइस मैं आप लोगों को पूरा स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, फुली दिखा रहा हूँ स्क्रीन में. देख सकते हो गाइस द व्यू, इट्स रियली आउटस्टैंडिंग. और गाइस नीचे का जो व्यू है आप लोगों को मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ. तो गाइस होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है. तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा. और गाइस अगर आगे आप लोगों को ऐसे एक्सप्लोरिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को और पर डाल दीजिए, ताकि मैं अपकमिंग ऐसा वीडियो, ऐसा ब्लॉग आप लोगों को बना सकूँ. और गाइस ऊपर का व्यू और ज़्यादा बेहतर है. देख सकते हो गाइस ये मिट्टी, गाइस ये मिट्टी पानी और वोल्केनो जैसा ही है कुछ. देख सकते हो मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ गाइस. ऊपर जहाँ तक आप जाओगे ऐसा ही है. देख सकते हो चारों ओर ब्यूटीफुल प्लेस लाइक द. होप गाइस आप लोगों को वीडियो में अच्छा लग रहा है. और गाइस इफ यू आर जियोग्राफी स्टूडेंट, अगर आप जियोग्राफी स्टडी करते हो यू कैन डेफिनेटली कम हियर. और मैं पूरा ऊपर चढ़ गया देख सकते हो. और गाइस दिस आर डंग, डंग ऑफ एलिफेंट. होप गाइस आप लोगों को मजा आया वीडियो देख के. देख सकते हो यहाँ पर भी है. और गाइस यहाँ पे वोल्केनो हुआ था बहुत पहले, बहुत पहले वोल्केनो हुआ था. वोल्केनो की वजह से ऐसा हो गया. और गाइस एंड आई एम शोइंग यू नो दिस सर, वहाँ पे वोल्केनो का गाइस देख सकते हो जो फायर का सिंबल है, उधर फायर का सिंबल बना हुआ है. सो गाइस 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 लुक 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 एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस गाइस, ऑसम.
guys, I'm leaving the place and I'm showing you the area again. Guys, all people from that place have gone. My friends also gone. But guys, I'm enjoying and I'm exploring the place actually because I loved it. And presently I'm running. I'm running towards my friend. But I'm so cool to see here. Kalamati. Yes, really, मैं पहले सोचता था कि ये picnic spot है. But guys, picnic spot. But this is a geographical place. If you study in geography, if you study science, you must definitely come here. Guys, this place is for you. Not for us. This is for you. You can definitely come here. Because the scenery, the beauty, and the place where the volcano occurred. Volcano hua tha udhar. Although soil irrigation. Guys, this makes really experience hoga aur nesar ka baat kiya kare yaar shandar view yaar dekhte ho mere screen par. Once I really recommend you once come here aake aap logo ko bahut acha lagne wala hai kyunki ye na ki ek picnic spot hai ye ek geographical spot hai. Really awesome place. Having come here, I received lots of experience, lots of things of nature. Really, I can say the bank of my knowledge increased a little bit. Really awesome. See guys, at first I thought these were quail, but these are not quails. The soil is black in color and white mixing up also. Really guys, I recommend you to come here once, to visit here once, because it's place of beauty, place of knowledge, place of geography, you know what you can't say. Come here guys once. And guys, aap logo se ek hi vinti hai, aap log video ko share kar dijiye taki ye video phail jaye aur logo ko pata chale Assam mein bhi lunar landscape hai jo dekhne ke liye log Assam mein aaye aur hamare Assam ka tourism thoda develop ho sake. So meeting you in next video. Goodbye.